हाई गाइज पी एफ आर डी ए ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेबी का जुड़वा भाई जैसा ये एग्जाम है विच इज़ ऑल्सो आउट नाउ इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी या फिर आपने सेबी की तैयारी की है पास्ट में देन दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक यू शुड भी राइटिंग दिस एग्जाम इफ यू डोंट हैव एनी कॉमर्स बैकग्राउंड आपका कोई भी लेना देना नहीं है इन सब्जेक्ट्स के साथ एंड इफ यू डोंट प्लान टू राइट सेबी इन द फ्यूचर देन आई डोंट थिंक दिस इज द एग्जाम फॉर यू डोंट बी ए पार्ट ऑफ द रेस जस्ट वायन अंडरस्टैंड की कौन सा एग्जाम आपके लिए है और कौन सा एग्जाम है इफ यू वेल वर्सड विद दीज सब्जेक्ट्स और इफ़ यू वॉन्ट टू बी वेल वर्स विद्जेक्ट फॉर सेबी एग्जामिनेशन जहां पे वेकेंसीज बहुत ज्यादा होने वाली है देन आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन ट्राई ऑर हैंड सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इस एग्जाम में क्या क्या होने वाला है वॉट आर द डेट्स वट इज द एलिजिबिलिटी What is the syllabus? Uh, what all things are you required to keep in mind while preparing for this exam? There are posts for multiple different uh, areas. Number one, general, then finance and accounts, then legal, IT, research, and language. General Finance and Accounts and Legal. interesting. The availability, the online application is starting from 15th uh, September and it will be on till 7th October.

फेज टू कैन बी हेल्प सम वेयर अराउंडींथर दिस इज फेज टू एंड है विच इज दोस्ट एग्रेसिव टाइम लाइन जो आप ध्यान में रखिए यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ओके ये हमें समझ आ गया अभी पी एफ आर डी एज नॉट रिलीज एनीथिंग एट ऑल दे फो दीज आर जस्ट स्पेक्यूलेशन बेस्ड अपॉन देर इंटीमेशन ऑफ द डेट्स ठीक है जनरल में देर आर टोटल ऑफ फिफ्टीन वेकेंसीज अभी तक आपने पढ़ लिया होगा बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बना दी है फॉर जनरल देर आर फोर वेकेंसीज और सारी अलग अलग क्लासेज में है ओबीसी में अच्छी वेकेंसीज है जनरल में फाइव वेकेंसीज वट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर्स डिग्री इन लॉ और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग तो इसमें बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स इज नॉट एलिजिबल बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विच इज बी कॉम इज एलिजिबल अगर आप अप्लाई करते हो फाइनेंस फील्ड से तो फाइनेंस की भी वेकेंसीज है वहां पे बी कॉम इज एलिजिबल बट यू नीड अ मास्टर्स डिग्री इफ यू हैव हैवी कॉम एंड एम बी ए इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड इक्विली एम बी ए में क्या मिलता है आपको पीजी डी एम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ये आपको डिग्री मिलती है दैट इज ऑल्सो

सी ए है सी एम ए है सी डब्ल्यू है सी एफ ए है वो सब भी एलिजिबल हैं यहाँ पे ओनली ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल तो मतलब चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो चाहे आपने कोई और कोर्स किया हो विच इज इक्विवेलेंट टू अ ग्रेजुएशन दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल ये हो गया हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में यूनिड मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और इकोनॉमिट्रिक्स लीगल में नीड टू अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ अच्छी हैं टू वैकेंसीज कहने के लिए कम लगती हैं बट दीज आर गुड वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ ऑर्गे पीजीडीएम जो मैंने आपको अभी बताया था कि एम बी एज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इक्विवलेंट टू अ डिग्री यही यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन मैक्सिमम ऑफ टू स्ट्रीम्स दोनों के ही आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं प्लीज कीपार्टमेंट और एनी सिटी प्लीज ये ध्यान रखिएगा द कैंडिडेट मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाई एक्ट मतलब आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल uh, uh, होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है जहां ज नॉट एक्सेप्टेड बाई यूजीसी और एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट अब आप पास कब होने चाहिए विच इज गिजिबल नंबर वन कैंडिडेट ऑलरेडी रिसीव्ड देयर फाइनल मार्क्सिट ऑल देअर प्रोवेशनल ऑल देयर फाइनल डिग्री तो अगर आपकी फाइनल मार्क्सिट आ चुकी है फाइनल मार्क्सशीट ऑलरेडी रिसीव्ड देन यू आर एलिजिबल नंबर वन फाइनल मार्क्स इज नॉट रिसीव बट योर फाइनल सेमेस्टर या फाइनल इन फाइनल इट ड मैटर वेन द एग्जाम इज गो बी हेल्ड उसका रिजल्ट शुड बी आउट बिफोर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फेस थ्री इंटरव्यू के बाद वेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैपन बाय दैट टाइम योर रिजल्ट शुड बी आउट यहां पर सिंपली लिखा हुआ है कैंडिडेट अपियड फॉर दाइनल एग्जामिनेशन एंड आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट आर एलिजिबल टू अपियर इन फेज टू इन फेज थ्री दर टू ज्वाइन इज सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग सक्सेसफुलिफिकेशन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा एट दैट टाइम यू शुड हैव योर मार्क्सिट इन हैंड तब आपके हाथ में मार्क्सिट होनी चाहिए

वो रिस्क आप ले रहे हो, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एज लिमिट थर्टी मैक्सिमम एज लिमिट उसके बाद थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है फाइव इयर्स फॉर एस सी एस टी ओबीसी को थ्री ईयर्स है एंड आई थिंक पीडब्ल्यू डी को टेन ईयर्स है ओके देर आर नो रिलैक्सेशन फॉर एक्सपीरियंसिस कोई भी आपने एक्सपीरियंस लिया है उसका कोई रिलैक्सेशन नहीं है मोड ऑफ सेलेक्शन टोटल थ्री लेवल थ्री फेजेज फेज वन टू पेपर्स जैसे सेबी में होते हैं सिंपली वैसे ही होंगे हंड्रेड मार्क्स ईच फेज टू टू पेपर्स हंड्रेड मार्क्स इच फेज थ्री इंटरव्यू ठीक है बिल्कुल सेम है सेबी uh, से एक डिफरेंस है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट डिफरेंस इज इन फेज वन ओनली फेज वन में एज आई सेन एंड पेपर टू पेपर वन में यू हैव इंग्लिश क्वांट रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एग्जैक्टली द सेम एज सेबी बिल्कुल सेम है वन क्वेश्चन इज ऑफ 1.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग इज वन फोर्थ एग्जैक्टली द सेम कोई डिफरेंस नहीं है 20 क्वेश्चंस ईच फोर सेक्शंस 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स टोटल ऑफ 60 मिनट्स 1 आवर फिर आपको मिलेगा पेपर 2 पेपर 2 में जो भी फेज 2 का सिलेबस है फॉर जनरल स्ट्रीम टोटल अकाउंट्स मैनेजमेंट फाइनेंस एक्ट इकोनॉमिक कॉमर्स ये पूरा जो सिलेबस है सेवन सब्जेक्ट एक्जैक्टली सेम है बस पेंशन सेक्टर है जो एक नया है जो हम आपको अलग से करवाएंगे एवरीथिंग एल्स रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम कोई डिफरेंस नहीं है ओके फेज टू में ये आएगा आपका और फेज वन में पेपर टू में भी ये सेम आएगा लेवल बस अलग होगा यहां पे क्वेश्चंस विल बी इजीियर इन फेज टू क्वेश्चंस बिकम ऑफ अ हायर लेवल 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 40 मिनट्स आपको मिलेंगे नाउ द डिफरेंस हेयर इज दैट इन सेबी यू हैड सेबी हैड ऑलरेडी सेड कि यहां पे आपको मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए यहां पे आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए एंड टोटल कंबाइंड यू नीड अ मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स ये इन्होंने सेबी ने बोला था नॉट पीएफआरडी पीएफआरडी सेज यहां पे आपको मिनिमम कुछ मार्क्स चाहिए बट वी विल टेल यू सो इट इज एक्स यहां पे आपको कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए बट वी विल टेल यू इज वाई यहां पे आपको कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए बट वी विल टेल यू विच इज जेड सो दे हैव नॉट डिफाइंड दे आर जस्ट सेइंग कि हम आपको बाद में बताएंगे या फिर वी विल डिसाइड बेस्ड अपॉन द एग्जामिनेशन व्हाट शुड बी द मिनिमम कट ऑफ एग्जामिनेशन मोर डिफिकल्टिकॉज अब यहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रॉसिंग दट ऑफ ऑफ थर्टी मार्क्स इट कैन बी एज हाई एज सिक्स नो बडी नोज हो सकता है कॉम्पिटिशन इतना हो बिकॉज दीट्स आर सो लेस तो ये ऊपर भी जा सकता है सिमिलरली दिस कैन बी ऑल्सो समथिंग लाइक सेवेंटी नाउ आई एम एग्जैजरेटिंग ऑफकोर्स इतना ज्यादा नहीं जाएगा बट ये बहुत ज्यादा भी जा सकता है दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू से

ऊपर वाला जो इंग्लिश है उसका है मिनिमम वेटेज ओके यहां थिंक लिखा होगा नो 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 आई थिंक आई एम रॉन्ग हेयर इंटरव्यू में है वेटेज यहां पर चेंज नहीं होगा सो so, यहां आर गोइंग टू कीप द वेटेज सेम हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड मार्क्स सेबी में ये होता है सेबी में इंग्लिश का वेटेज कम हो जाता है यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है नथिंग ऑफ दैट एक बार पढ़ लेते हैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज टू विल बी इश्यूड कॉल लेटर फॉर कैंडिडेट अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स फेज टू हमारा अलग अलग होगा नेगेटिव मार्किंग है फॉर पेपर टू कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ भी होगा और एग्रीगेट भी होगा

Paper two is more, but यहाँ पे ऐसा नहीं है विच आई थिंक इज गुड इंटरव्यू में ऐसा होगा इंटरव्यू का वेटेज इज गुड बी फिफ्टीन परसेंट एंड देश मार्क्स आपको देंगे या आपके मार्क्स जैसे दो सो का है तो दो सो इज इक्वल टू एट्टी फाइव परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट आप निकाल सकते हो कितना होगा उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे ठीक है ना दिस इज अबाउट द इंटरव्यू एक रिजर्व लिस्ट बनाएंगे ऑफ टेन कैंडिडेट्स Whoever leaves within one year of selection उसमें रिजर्व लिस्ट में से दे कैन कॉल यू ओके विच इज अ गुड थिंग नॉर्मली क्या होता है कि वो रिजर्व लिस्ट को तभी यूज करते हैं व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट ज्वाइन बट यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि इफ अ स्टूडेंट लीव्स विद इन वन ईयर देन दे विल यूज द रिजर्व लिस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी वेकेंसी अगेन ठीक है ना वो बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे हो सकता है कि रिजर्व लिस्ट काफी यूज हो जाए जॉब सैलरी सैलरी बहुत ज्यादा है वन लैक फोर्टी थाउजेंड पर मंथ विच इज़ अ वेरी हाई सैलरी एंड अपॉन दिस यूलो बी रिसीविंग लॉट ऑफ पर्क लॉट ऑफ अलाउंसेज तो उसका तो कोई डाउट ही नहीं है इट इज एज गुड एज आर बी आई एंड से बी अब आप कंपेयर मत करिएगा कि आर बी आई बेटर है ये बेटर है से भी बेटर है पी एफ आर डे बेटर है देर इज नो कम्पेरिजन सब का काम अलग अलग है सबकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग है सो एंड यू कैन नॉट जॉब प्योरली बेस्ड अपॉन द सैलरी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं ट्राई अंडरस्टैंड द जॉब प्रोफाइल पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी करती क्या है वो समझने की कोशिश करिए दैट्स मोर इम्पोर्टेंट यू कैन बी पोस्टेड इन डेली मुंबई और रीजनल ऑफिस ये अच्छी बात है यू विल बी पोस्टेड ओनली इन द मेजर सिटीज सोफ यूर वन ऑफ दोज जिनको सिटीज में रहना पसंद है गाँव में नहीं जाना चाहते देन आई थिंक इट्स अ गुड जॉब फॉर यू कैंडिडेट अप्लाई फॉर टू स्ट्रीम्स प्लीज ये मेक श्योर करिएगा इफ योर फॉर टू स्ट्रीम्स ऐसा नहीं कि एक में मुंबई लिख दिया एक में डेली लिख दिया या फिर एक में डेली लिख दिया एक में नोएडा लिख दिया या फिर एक में मुंबई लिख दिया एक में पुणे लिख दिया प्लीज डोंट डू दैट वो मिस्टेक करोगे तो फिर दे विल गिव यू सेपरेट सेंटर्स विच इज नॉट पॉसिबल फॉर यू ठीक है ना ये ध्यान में रखिएगा लेट्स सी वॉट एल्स इज इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया हुआ है सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बाय द वे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप यू कैन पुट इट इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो मैं वहां पे आंसर भी करता रहूंगा आफ्टर आफ्टर द सेशन वीडियो अगर कुछ भी मुझे आपको लगता है कि आपका कोई स्पेशल प्रॉब्लम uh, है क्वेश्चन है विच इज यूनिक विच इज कस्टमाइज्ड जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है सो यू कैन मैंशन दैट इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट यस अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कॉमर्स एंड अकाउंट्स यहां से शुरू करते हैं एग्जैक्टली द सेम एज एक्सैक्टली जितना भी अकाउंट्स के बेसिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास इलेवेंथ टू क्लास ट्वेल्थ जो भी पढ़ाया जाता है इलेवेंथ ट्वेल्थ में वो सारा यहाँ पे डाला गया है मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर फेयर तो वो आपको पढ़नी है यू कैन यूज द बुक्स ऑफ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एज वेल मैनेजमेंट एग्जैक्टली द सेम एज आर बी आई एंड से जो भी वहां पर पढ़ाया जाता है वो यहां पर भी दिया गया है फाइनेंस एग्जैक्टली अगेन द सेम एज से भी अलग नहीं है चीजें वही सारी चीजें हैं वही सारी चीजें आपसे पूछी भी जाएंगी ओके एग्जैक्टली अगेन द सेम एज सेबी बिल्कुल सेम है कुछ भी अलग नहीं है बुकलिस्ट में अलग से बनाऊंगा एक फॉर पी एफ आर डी ए जो की सेबी वाली भी यूज कर सकते हैं बट अलग से भी एक बना देंगे यू कैन यूज दैट एज वेल ओके कंपनीज एक्ट फिफ्थ सब्जेक्ट इकोनॉमिक सिक्स सब्जेक्ट पेंशन सेक्टर दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट इसको हम अलग से कवर करेंगे इसमें यू हैव स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स एनपीएस अटल पेंशन योजना एनुटी प्लान इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं दिस इज नॉट स्मॉल ये काफी बड़ा होने वाला है तो प्लीज इसको अच्छे से कवर करिएगा इसमें से क्वेश्चन आएंगे भी ठीक है ये हो गया हमारा जनरल का और ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं फॉर फाइनेंस स्ट्रीम फॉर रिसर्च स्ट्रीम इंग्लिश में मैंने आपको बताया प्रेसी एस सी एंड कॉम्प्रिहेंशन ये तीन चीज आपसे पूछी जाएगी इसकी प्रिपरेशन हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं आगे हम लोग बहुत सारे टेस्ट भी लिखेंगे एंड आई विल प्रोवाइडिंग लॉर्ड ऑफ सैम्पल एस एस एज वेल विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एफ आर डी एग्जामिनेशन इसका जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारी वेबसाइट पे अनुजिंदल डॉट इन वेबसाइट पर जाओगे वहां पे जाके कोर्स ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो अपने आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसकी वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे इट विल टेक अ डे और टू तो यहाँ पे जा सकते हो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली गो टू दिस कोर्सेज डॉट अनुजिंदल डॉट इन स्लैश लर्न ठीक है यहां पर भी जा सकते हो Uh, अगर कॉल करना है कोई डाउट है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव ओके या फिर ईमेल छोड़ सकते हो इन्फो एट द रेट अनुजिंदल डॉट इन ठीक है सो दीज आर ऑल द मेथड्स थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट विद मी वेबसाइट पे देर इज अ व्हाट्सएप चैट बॉक्स ऑल्सो जिसपे आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो टू माई काउंसिलर्स एंड यू कैन आस्कम वोट एवर क्वेरीज यू माइट है ना तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन अबाउट पी एफ आर डी एग्जामिनेशन इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी इफ यू हैव प्रिपेयर फॉर सेबी इफ यू थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सेबी देन आई थिंक दिस इज अ गुड एडिशन टू योर एक्जामिनेशन यू शुड राइट इट इट विल अ गुड एक्सपीरियंस सेलेक्शन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है इट विल बी अ गुड आई थिंक ऑन द केक फॉर यू एज एन एस्परेंट ठीक है तैयारी करोगे तो ढंग से करना तैयारी करोगे तो सीरियसली करना अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं है प्लीज कीप दैट इन माइंड आई सी यू वेरी वेरी सुन गाइज ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय जय हिंद